हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनी विश्वकर्मा चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आएगी। ये रेसिपी है खड़ा नींबू का अचार और ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ 3 किलो नींबू लिया है और इसको धुल के इसका पानी पोंछ लिया है। और अभी हम इसमें कट लगाएंगे। और ये हमने नमक लिया है, खड़ा नमक था, हमने इसको पीसा है, काला नमक है। और यह है सादा नमक, यह है अजवाइन, और यह है कुटी हुई काली मिर्च, और यह है भुना हुआ जीरा पाउडर और हींग। तो चलिए अब हम नींबू में कट लगा लेंगे। नींबू को हम इस तरह से हल्का सा ऊपर से कट करेंगे और उसके बाद हम इस तरह से इसको बीच से कट करेंगे और नीचे वाला हिस्सा हम जुड़ा हुआ छोड़ देंगे। तो बहुत ही हमको आराम से इसको कट करना है और इस तरह से हम दोनों साइड से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से 4 कली बन जाती है इसकी। और स्टफिंग के लिए हम इसी तरह से सारे नींबू को कट कर लेंगे। मसाले को हम इसी के अंदर भरेंगे। ये देखिए, हम इस तरह से आराम से इसको कट करेंगे कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा जुड़ा रहे। तो इसी तरह से हम सारे नींबू को कट कर लेंगे। सारे नींबू को हमने इस तरह से कट कर लिया है 4 कली में, ये देखिए। तो चलिए अब हम मसाला मिक्स करते हैं और इसको हम साइड में रखेंगे। और यहाँ हमने एक थाली ली है और इसमें हम डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा हम बचा लेंगे, हमें जितना ज़रूरत होगा हम उतना ही मिक्स करेंगे, बाद में फिर हम मिक्स कर लेंगे, हमें कम लगेगा तो। और अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन और अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे सादा नमक। और इन सबको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे हींग। तो इसी छोटी से ढक्कन से हम 2 ढक्कन हींग डालेंगे, यानी 4 से 5 चुटकी हींग। और हींग डालने से नींबू का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है और ये पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब ये स्टफिंग के लिए तैयार है। हमने इस तरह से एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, आप कोई भी कांच का जार या डिब्बा ले सकते हैं। तो इसी में हम नींबू को स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ नींबू लिया है और नींबू में हम इस तरह से खोल के मसाले को अंदर भर देंगे चारों तरफ से, ये देखिए। और इसी तरह से हम इसको डिब्बे के अंदर रख देंगे और हमको इसमें डिब्बे के अंदर सीधा सीधा रखना है। और ये देखिए, नींबू को हम खोल के और इसके अंदर हम नमक इस तरह से डाल देंगे, भर देंगे अच्छे से दोनों साइड से। और उसके बाद हम इसको डिब्बे में इस तरह से सीधा सीधा रख देंगे।
इससे अचार हमारा बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी एकदम बहुत ही रसीला बन के तैयार होता है अचार। तो इसी तरह से हम सारे नींबू में मसाले को भर के और इस तरह से डिब्बे में हम स्टोर कर देंगे। और ये देखिए फाइनली हमने सारे नींबू को भर के और इस तरह से डिब्बे में स्टोर कर लिए हैं और इसको अब हम एक हफ्ते के लिए धूप में रख देंगे और ये अचार हमारा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, एकदम रसीला और टेस्टी चटपटा। ये देखिए हमारा खड़ा नींबू का अचार एकदम अच्छे से बन के तैयार हो गया है और जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं वो पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और स्वाद से भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत मस्त है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो, मेरा ये अचार बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।